तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक शहर में एक ज्योति नाम की औरत रहती थी। ज्योति की शादी 10 साल पहले हुई थी। ज्योति के पति का नाम प्रमोद था। प्रमोद एक नंबर का अय्याश किस्म का व्यक्ति था। एक दिन ज्योति प्रमोद से बोलती है, आजी सुनते हैं मेरी बहन यहाँ घूमने आने के लिए बोल रही है, तो क्या उसे मैं यहाँ बुला लूँ? हाँ हाँ बुला लो, तुम्हारी बहन है भाई, क्यों नहीं आ सकती है यहाँ? ठीक है जी, तो आज ही मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लेती हूँ। और ये कहकर ज्योति अपनी बहन को अपने घर बुला लेती है। शाम को जब उसका जीजा आता है और उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाह कितनी टॉप की लड़की है यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी मेरी साली मजेदार है। कसम से इतनी रसीली साली कहाँ थी आज तक, शादी से पहले मुझे मिली होती तो मैं तो इससे शादी कर लिया होता। और ये कहकर उसका जीजा अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन प्रमोद की साली अकेले कमरे में रहती है, तभी वहाँ प्रमोद जाता है। और साली साहबा कैसी हैं आप? जीजू मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? क्या चलेगा जीजू, पढ़ाई लिखाई चल रहा है और क्या। अच्छा साली साहबा एक बात पूछना था आपसे। हाँ जीजू पूछिए, क्या पूछना है? यही पूछना था मुझे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं जीजू, मुझे इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, मैं तो सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हूँ। मुझे ये सब फालतू चीजों के बारे में सोचना समझना भी गुनाह है मेरे लिए। और ये कहकर प्रमोद वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन ज्योति प्रमोद से बोलती है, आजी सुनते हैं आज मेरी सहेली का कॉल आया था, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे अभी जाना होगा। हाँ हाँ जाओ यार, तुम्हारी सहेली है, तुम्हारी ज़रूरत है उसे, इसमें पूछने की क्या बात है? ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ, कल सुबह आऊँगी। ठीक है तुम चिंता क्यों करती हो, खाना पीना बनाने के लिए साली साहबा आई है, वो बना देंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, तो फिर मैं चल रही हूँ। और ये कहकर ज्योति चली जाती है। अब प्रमोद सोचने लगता है, वाह इसी समय का तो इंतजार था, अब अकेले मैं, अकेले मेरी साली, आज तो मैं उसे पटा ही लूंगा। और ये कहकर प्रमोद अपनी साली के कमरे में जाता है और जाकर बोलता है, और साली साहबा क्या हो रहा है? कुछ नहीं जीजू, बस एग्जाम की तैयारी हो रही है। अरे बस एग्जाम की ही तैयारी करोगी? अरे मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो। हाँ जीजू मैं आपके बारे में भी सोचती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे जीजू हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट जीजू। हाँ हाँ वो तो मैं है ही हूँ, और ऐसे भी साली साहबा जब से मैंने आपके रसीली जवानी को देखा है ना, तब से कसम से मुझे रात में भी नींद नहीं आती है। जब इस बात को प्रमोद की साली सुनती है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि मेरे जीजू ये क्या बोल रहे हैं। जीजू ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे पगली क्या बोल रहा हूँ, क्या सच बोल रहा हूँ मैं, और ऐसे भी तुम सचमुच बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल लड़की हो, तुम्हारे इतना खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए जीजू मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे जाइए कहाँ जाइए, और ऐसे भी आज तुम्हारी दीदी भी नहीं है, चलो दोनों जना आज मूड बनाते हैं हम लोग। जीजू मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ से जाइए जल्दी से। ओहो तो साली साहबा को गुस्सा भी आता है, लगता है साली साहबा का गुस्सा जो है उतारना पड़ेगा मुझे तो। और ये कहकर उसका जीजा उसके ऊपर टूट पड़ता है। प्लीज जीजू क्या कर रहा है, छोड़िए ना प्लीज, मुझे जाने दीजिए जीजू, मुझे ये सब चीजें नहीं करना है। लाख समझाती है उसकी साली, परंतु प्रमोद नहीं मानता, उसके साथ सब कुछ कर लेता है। शाम को जब ज्योति घर आती है तो उसकी बहन सारी बात बताती है, तभी ज्योति बोलती है, बहन तू चिंता मत कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। और ये कहकर ज्योति को लेकर पुलिस चौकी चली जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, मैडम जी आप घबराइए मत,
मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मैं उस साले को देखता हूं अभी। और ये कहकर पुलिस वाला प्रमोद को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बुरा काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।